पुत्रा, कोई माँ के पेट से गुनेगार बनकर पैदा नहीं होता, समाज में रहकर बनता है। मजबूरी अपराधी बनाती है लोगों को। बकिया क्रिमिनल नहीं है, पर चांस है कि आगे चलकर बन जाए अगर हमने उसे ऐसे ही मजबूर किया तो। पापुद्रा सुनना, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना, क्यों लोगों को बेघर करके उनका श्राप लेना है तुझे? तेरा बच्चा आने वाला है रे, लोगों की दुआएं ले, उनकी आहें नहीं। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ पापुत्रा, सुशीला के लिए, प्रार्थना के लिए, तेरे आने वाले बच्चे के लिए, मेरे लिए। अगर कोई बीच का रास्ता है तो निकाल। ठीक है, बात करेगा बापूजा पाटिल साहब से, लेकिन तब तक इस मामले में कुछ नहीं करेगी तू, बराबर? अरे बड़ी मुश्किल से स्वरा का मैटर निपटा है, आनंद लेना उसका। पर बापूजा बात करेगा पाटिल साहब से। थैंक यू। पाटिल साहब, ये डिमोलिशन का मामला थोड़ा पेचीदा लगता है बापूद्रा को, अगर कुछ समय के लिए इसे रोक ले, नहीं मतलब थोड़ा सा पोस्टपोन कर ले अगर इसे, क्या है ना, लोगों को दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ऐसा बापूद्रा को लगता है। सोचता हूँ, करते हैं कुछ। जी जी, धन्यवाद पाटिल साहब। बोला था मैंने बापोद्रा जी को पुष्पा जी को समझाने के लिए, लेकिन लगता है पुष्पा जी ने उनको पट्टी पढ़ा दी। सरनायक, एक काम करो, आज रात को ही डिमोलिशन करवा दो और उस हिसाब से पेपर्स पे डेट चेंज करवा देना, समझे? सर, रात को 12 बजे अगर डिमोलिशन शुरू भी किया तो भी कल की ही डेट लगेगी, तो नए पेपर्स बनवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड, ये सही है। जाओ तैयारी शुरू करो, और सुनो, बस्ती वालों के लिए टेम्पररी रहने की व्यवस्था करो, उन्हें भी तो रास्ते पे छोड़ नहीं सकते ना। जी सर, मैं चलता हूँ। बेटी की इतनी याद आ रही है तो ये लो, एक बार फोन कर लो उसे। हेलो हेलो, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो, कुछ बोलो तो सही। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसी अननोन नंबर से कॉल है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। हेलो हेलो, अरे कुछ बोलने ने तो फोन क्यों किया भाई? काट दिया, रॉन्ग नंबर होगा शायद। कौन होगा? कोई डैड तो नहीं?
उसने कॉल बैक किया है। आप एक काम कीजिए, फोन उठा के बोल दीजिए कि गलती से लग गया था, प्लीज। हेलो, मैं राशि पटेल बोल रही हूँ। मुझे अभी इस नंबर से कॉल आया था। गलती से कॉल लग गया है, माफी चाहता हूँ। काश ये फोन आपका होता डैड। बात कर लेते बेटी से। मन तो बहुत था चाचा, पर मेरे बारे में कहीं कुछ गलत ना सोचे। फेक डेथ का खेल पहले भी खेल चुका हूं। काला धब्बा जो लग गया है मुझ पर। चुपचाप से सो जा, दूसरा को भी सोने दे। पर सर, मेरे को यहाँ से निकालो, किसी और जेल में शिफ्ट कर दो, मेरी जान को खतरा है। अरे दिलीप मेरे को मार डालेगा, मेरे को निकालो यहाँ से, कहीं भी चलेगा मेरे को। जेल से ज्यादा सेफ और कुछ नहीं है तेरे लिए, और कोई नहीं आ रहा यहाँ पे तुझे मारने के लिए। मन का वहम है तुम्हारा। कैसा भ्रम? अरे वो आ चुका है, मेरे को मार डालेगा। अरे चुपचाप सो जा। अरे जा, जल्द सो जा। दिलीप पटेल के डर से पागल हो गया बेचारा। पूरा दिन दिलीप 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 करता रहता है। आप तो रात को भी चैन नहीं से। लेकिन दिलीप पटेल तो जल के मर गया था, फिर ये उससे डर क्यों रहा है? क्या मालूम, मरा नहीं है दिलीप, जिंदा है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मार डालेगा मुझे। दिलीप जिंदा है। तुम लोग यही रुको, चल साथ में, फटाफट गाड़ी से आएंगे। चल चल। मापुद्रा का घर कौन सा पता क्या तेरे को? नहीं चक्की भाई। साला हम लोग की नींद हराम करके खुद चैन की नींद सो रहा है, छोड़ेंगे नहीं इसको। चक्की भाई एक काम करते हैं, उसके उठने तक का इंतजार करते हैं। निकलने दे उसको बाहर, फिर देखते हैं। मैंने ऐसी कोई दखलंदाजी नहीं करी इंस्पेक्टर साहब, जो आप मुझे पकड़कर यहाँ पर ले आए। तो क्या हम इस बात का इंतजार करते कि आप कब दखलंदाजी करें? शाम के 6 बजे के बाद आप एक महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे वाह, आज की महिला है आप, जागरूक है, छान खूब छान। लेकिन मैडम, हमने आपको अरेस्ट थोड़ी किया है, आप तो हमारी मेहमान है। कदम। यस सर। मैडम के लिए गर्मा गर्म चाय लाओ। जी सर। इतने सारे लोगों को बेघर किया जा रहा है, इंसानियत के नाम पर किसी को तो कुछ करना पड़ेगा ना। और मैं मोहल्ला समिति अध्यक्ष हूँ, शांति भंग ना हो ये देखना भी मेरा काम है। मुझे एक फोन करना, मेरा फोन लीजिए। सॉरी मैडम, वो तो आप नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। मैं मोहल्ला समिति अध्यक्ष हूँ इंस्पेक्टर साहब, कि मेरा हक है। मुझे एमएलए राज पाटिल साहब की पत्नी संगीता ताई से बात करनी है, फोन दीजिए।
सर प्लीज प्लीज काशी चक्की और बाकी लोग क्या है? वो लोग तो चले गए बापुत्र का काम तमाम करने। पुलिस स्टेशन पुष्पा आंटी के पास जाओ या बापुत्र सिट को आगे करने चल जाओ। बापुत्र सिट को उठाओ। बापुत्र सिट को फोन ही नहीं उठा रहे। चल ही जाता हूं। Thank you. उठाना मत बोला ना उठाना मत सो जाओ चुपचाप। तैने मेरा फोन काट दिया। कोई इमरजेंसी होगी तभी पुष्पा जी फोन करेंगी। इन्होंने ऐसा क्यों कहा? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।